लट्टू तो सरवन खड़ा हो खड़ा तो आ पिन जो लागू रही पिन लगन एलईडी चालू कर ले। पिन को निकाल दे पीछे से, वो पिन निकाल दे, कंप्यूटर की पिन निकाल दे और वहां चालू कर। उज्ज्वल भाई मस्त करना है ना। गटे भी लगा दो है ना, बाप रे आया हुआ करंट वहां पर लगा दोगे पक्का। इतना पता है एग्जिट बोला यार, तेरे को कैसे पता कि 350 का है? यो अच्छा, पूरा खर्चा 350 हुआ, पिन केबल और ट्यूबलाइट 350 पूरा एग्जिट। अच्छा नहीं, इतनी महंगी आती है? लेकिन यहाँ महंगी देते हैं, यहाँ तो किराया खर्चा निकाल के देना पड़ेगा बेचारे को। ऐसा दे देगा तो फिर कमाएगा क्या? तो कल अपन राजस्थान बंद कर लेते हैं। अभी शटर तो बंद कर दिया अपन ने, कल राजस्थान बंद क्यों? गौ माता के लिए पक्का समर्थन में, सब सब समर्थन में। क्यों, ऐसा क्या है कि आप समर्थन में हो? एक दिन छुट्टी रहेगी मौज करती रहे, मतलब आप कल राजस्थान बंद होने की वजह से आप खुश है या नहीं, पहले तो ये बेटा है खुश है? आपको कारण पता है कि बंद क्यों है? गायों के लिए इलाज हो नहीं रहा, उसका क्या करवाना है? इलाज, इसलिए बंद हो रहा है। सब समर्थन में कि मैं एक ही समर्थन में यो। तो कल अपन राजस्थान बंद करवाते, रैली निकालनी। चलो भाई रैली भी निकाल देते, ठीक है? देखो कल राजस्थान बंद है, कल अपने यहाँ पर भी सेंटर बंद है, और गायों के उपचार के लिए जो लंपी स्किन डिजीज नाम की जो बीमारी है उसकी वजह से कल राजस्थान बंद रहेगा, जो अभी राजस्थान सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है गायों के लिए। गायों के लिए उस वजह से राजस्थान कल बंद रहेगा, ठीक है? बंद रहे या ना रहे अपन तो बंद रहेंगे। कल कोई सेंटर पे आएगा नहीं, कल लॉक रहेगा नीचे भी और पूरा बंद रहेगा, ठीक? कल आपके लिए छुट्टी, ठीक है? समर्थन में तो खुश हो कि गायों के लिए हम कुछ करें? थोड़ा कुछ अपन तो कर नहीं सकते अकेले, तो अकेले तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन पूरा राज्य मिलके कुछ थोड़ा सा कर सकते। जरूरी नहीं कि आपको उपचार मिल जाए, लेकिन उसके लिए कुछ कदम उठाए जाए कि कोई उपचार ऐसा मिले, कोई उपचार ऐसा मिले जिससे गायों की मौत ना। उसके लिए हमारे पास क्या एक ऑप्शन है? सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, और वो रहेगा कल का दिन। अब क्या होता है कल देखेंगे, कल का मामला है जी। नेट बंद रहेगा, अच्छी बात, नेट बंद है, कोई दिक्कत नहीं। क्या टेंशन है अपन को, क्या क्या करना? अपन राजस्थान बंद करना है क्यों? उसके लिए थोड़ा कोई लगभग बंद तो नहीं रहेगा, नहीं बंद नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई झगड़े नहीं हो रहे, यहाँ पर सिर्फ गायों के लिए ही किया जा रहा है, तो यहाँ पर शायद बंद नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद हाँ जी, कल सब बंद रहेगा, लाइब्रेरी कैसे खुली रहेगी? सब बंद, सब बंद, मतलब फिल्म डाउनलोड करना है बड़े आराम ही हो बेटे क्या क्या बंद करवाना चाहते हो आप? आप ऐसा करो अपन पूरा बंद ही कर लेते राजस्थान, सही है? चलो अपन राजस्थान बंद करने से पहले अपन कुछ थोड़ा सीख लेते, ठीक है? सीखना बहुत जरूरी है, तो बिना सीखे कुछ भी नहीं होता है। कल रैली निकले तो आ जाना, नहीं निकले तो आपकी मर्जी, ठीक है? चलो अपना कौन सा टॉपिक था, कहां तक पहुंचे थे, लिखवाते आज क्या?
हैं? लिखवा बुक है आपके पास? सबके पास है, परसों लिखवा ठीक रहेगा थोड़ा, क्योंकि ये सरल टॉपिक है, एक बात देख लेते, सरल टॉपिक है एक बात देख लेते, तो परसों लिखेंगे सब ठीक है। तो हमारा टॉपिक है अब होम टैब के अंदर फॉन्ट इंसर्ट कहाँ गया है, इंसर्ट अलग ठीक है। होम टैब के अंदर आपका कौन सा है फॉन्ट, कल हमने कौन सा पढ़ा था, क्लिप बोर्ड, और क्लिप बोर्ड के अंदर कितने टॉपिक थे, चार। किस क्या क्या नाम था कड़ा बोलो, कट, कॉपी, पेस्ट, ब्रश का कंप्यूटर नाम क्या था, फॉर्मेट पेंटर, क्या नाम था, फॉर्मेट पेंटर। आप ब्रश याद रखो तो आपके लिए काम का है, लेकिन कभी भी नाम याद होना चाहिए कि मानो कि मैंने कोई भी ऐसा फॉन्ट दे दिया और सब पूरे पैराग्राफ के अंदर दिया, और अगले पैराग्राफ के अंदर मेरे को सिर्फ क्लिप बोर्ड के एक टॉपिक के द्वारा अगले वाले पेज के अंदर फॉन्ट, लैंग्वेज वगैरह जो भी चेंज करना वो करना, तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट पेंटर्स, फॉर्मेट पेंटर्स। अब मानो कि मैंने कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी वर्ड लिखा है, इसका जो मैंने फॉन्ट दिया है वो फॉन्ट मेरे को अगली लाइन के अंदर भी देना, न कि मेरे को इसके अंदर सबके अंदर जाना बार बार। अब यहां पर तो फॉन्ट दे दिया सभी के अंदर एक बार, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक साथ सभी का फॉन्ट चेंज करना है, तो बार बार मैं ऑप्शन के अंदर तो नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज, फॉर्मेट पेंटर नाम है ठीक है, ब्रश आपके याद के लिए याद रखना, बाकी नाम इसका फॉर्मेट पेंटर है, ब्रश जैसा दिखता है तो ब्रश नाम दे दिया अपन ने, है ना, अच्छी बात है, क्योंकि याद भी होना जरूरी है, कि आपको क्या पता कि कौन सा नाम याद नहीं रहता, कई बार क्या होता है नाम याद अपन को नहीं रहता, लेकिन इतना याद रहता है कि ब्रश से क्या होता है पूरा का पूरा फॉन्ट स्टाइल साइज वगैरह सब चेंज होती है, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक कोई पैराग्राफ, पैराग्राफ ले लेते हैं, ये हमारा पैराग्राफ ठीक है। पैराग्राफ लेने के बाद अब शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक फॉन्ट के अंदर रहेगा आपका फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर भी फॉन्ट, ये क्या कहलाएगा, फॉन्ट जिसे बोलते हैं लैंग्वेज, कौन सी भाषा के अंदर आपको लिखना है, कौन सी भाषा के अंदर आपको लिखना, वो आप यहां से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी आ रही है कैलिब्री, कैलिब्री आ रही है, अब यहां पर जो तीर का एक आइकन दिखाई दे रहा है, तीर का एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज आ जाएगी, बहुत सारी फॉन्ट आ जाएंगे, तो जो आपको फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट के अंदर आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। तो यहां से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, और जिस स्टाइल का आपको फॉन्ट लेना वो भी चेंज कर सकते हैं। पहले सीधे बैठ जा ठीक है। अब यहां से मानो कि मेरा कैलिब्री है, कैम्ब्रिया है, एराइल है, जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, और यहां से एक बार सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज कर लो। जैसे यहां पर ये कर दिया तो यहां पर फॉन्ट क्या हो जाएंगे, थोड़े गहरे हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, जिस लैंग्वेज को लेंगे उस लैंग्वेज में ये फॉन्ट हो जाएंगे। तो यहां से आप हिंदी भी ले सकते हो, जो मतलब लैंग्वेज लेंगे वो ले सकते हो, और सिलेक्ट करके आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हो। अब जो ये लिखा हुआ आ रहा है इतना, इसको मेरे को हिंदी में करना है, किस में करना है, हिंदी में, तो यहां पर मैं कौन सी भाषा लिखूंगा, किस किस को याद है, कृति देव, कौन सी लिखूंगा, कृति देव, कृति देव लिखूंगा। जैसे कृति किया और आगे देव 0 10 आ जाएगा और एंटर कर दो, यहां पूरी हो जाएगी हिंदी भाषा ठीक है, ये हो जाएगी आपकी हिंदी भाषा, कर लोगे इतना ठीक है, मतलब आपको यहां से लैंग्वेज चेंज करना। उसके बाद आता जो ये फॉन्ट दिया हुआ है, जो ये फॉन्ट दिया हुआ उसकी साइज को कम ज्यादा करना, उसकी साइज को कम ज्यादा करना है। आपने वर्ड पेज के अंदर देखा था सेम ऑप्शन है, कोई फर्क नहीं, तो आप यहां से लिख कर भी कर सकते हो और या तीर के द्वारा भी कर सकते हो, जो आपको फॉन्ट की साइज चाहिए वो भी कर सकते हो, कर लोगे यहां से, आप लिख कर भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, और इनमें से सिलेक्ट करके लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने 28 कर दिया तो 28 की साइज होगी, जिस फॉन्ट की साइज आपको चाहिए वो लिख दो या सिलेक्ट कर दो ठीक है। उसके बाद आता आपका ये क्या कहला है, इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है, जो आपने वर्ड पेड के अंदर पढ़ा था, ये एक ए बड़ा एक ए छोटा है, है? ग्रो फॉन्ट, फर्स्ट वाला क्या है, ग्रो फॉन्ट, जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो लिखा हुआ आएगा ग्रो फॉन्ट,
इसके साथ एक शॉर्टकट भी दी जा रही है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो यहां पर शॉर्टकट भी लिखी हुआ रही और इसका नाम भी लिखा हुआ, लेकिन वर्ड पेड के अंदर शॉर्टकट की नहीं थी, देखा था आपने। उसके बाद दूसरा नाम उसका क्या हो सकता है आपके हिसाब से, जो आपने मैंने बताया था पहले, तो बता सकते हैं है जी? कौन सा फॉन्ट? श्रिंक फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट है? श्रिंक। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊं, लिखा हुआ रहा श्रिंक फॉन्ट, इसका आ रहा शॉर्टकट की कंट्रोल लेस देन, कंट्रोल लेस देन। तो आपका इस शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, अगर शॉर्टकट की याद में तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने ऑप्शन है, इसके द्वारा इस साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैं ग्रो फॉन्ट पे जाऊंगा और इसकी मानो कि मेरे को साइज बड़ी करनी, तो ग्रो फॉन्ट पे जाओ, साइज बड़ी कर, सेम ऑप्शन है। और श्रिंक फॉन्ट पे जैसे मैं इसको करूं तो साइज क्या हो रही है, छोटी हो, जिस साइज में चाहिए वो आप इसके द्वारा भी कर सकते हो और इनके द्वारा भी कर सकते हो। आपके पास चार ऑप्शन है किस पोजिशन में आपको करना। ठीक, अब अगला आता है आपका जो ये टॉपिक होता है चेंज कैश, ये हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, क्योंकि पहले शॉर्ट शॉर्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका चेंज करेंगे जो कैश है वो चेंज करें, सेंटेंस का जो टेक्स्ट है वो चेंज करेंगे तो बाद में करेंगे। चेंज कैश के अंदर आता है आपका लोअर कैश, अपर कैश, और आपको जैसे कुछ स्मॉल लिखना है, बड़ा लिखना, बहुत छोटा लिखना, वो सब। ठीक है, इससे पहले अपन देख लेते हैं ये सरल, क्योंकि इनके साथ होता है, क्योंकि आप इस फॉन्ट के द्वारा भी हम कर सकते हैं इसकी स्टाइल, फॉन्ट और साइज को कम ज्यादा। ठीक है, लेकिन यहां से भी आप फॉन्ट के बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, श्रिंक कर, जो भी करना वो आप यहां से भी कर सकते हो और इनके द्वारा भी कर सकते हो। इनके द्वारा कैसे करेंगे, आपने यहां पर जाओ और यहां से जिस लैंग्वेज की जो फॉन्ट आपको दिखाई दे अलग अलग स्टाइल के, उनको सिलेक्ट करो तो भी हो जाएगा। अब मानो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतने का इसको बोल्ड करना है, क्या करना है, बोल्ड। तो आप फॉन्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये बोल्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर और लैंग्वेज में चाहिए बोल्ड तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो इसके द्वारा नहीं चाहिए, इसके द्वारा नहीं चाहिए, मेरे को ऑप्शन के द्वारा चाहिए। जैसे कि ये बोल्ड लिखा हुआ, जैसे मैं बोल्ड पे क्लिक करता तो आप देखना फॉन्ट के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे मैंने बोल्ड किया थोड़ा परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा हुआ, ज्यादा पता नहीं चलेगा, वापस मैंने हटाया हुआ थोड़ा सा हुआ। उसके बाद ये जो वर्ड दिखाई दे रहे एकदम खड़े, एकदम खड़े, मेरे को थोड़ा सा तिरछा चाहिए, कैसा चाहिए, तिरछा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए ऑप्शन आता है इटालिक, यार इटालिक, इटालिक भी जैसे ही करूंगा थोड़े टेढ़े हो गए, टेढ़े हो गए दिखाई दे रहे, पता चला टेढ़े दिखाई दे रहे। ये वर्ड देखो और ये नीचे वाले वर्ड देखो, फर्क है, यानी कि ये तिरछे हो चुके ये वाले वर्ड। ठीक है, अब मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, आपने जो वर्ड पेड के अंदर पढ़ा वो सेम के सेम को चेंज नहीं, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूं आपको। अब अंडरलाइन करना है, जिसको अंडरलाइन करना है उसको सिलेक्ट कर दो और क्लिक कर दो, ये अंडरलाइन हो चुकी। अंडरलाइन क्यों करते हैं, जो मानो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ा कि ये मेरे को दोबारा पढ़ना है, आप कंप्यूटर के अंदर पढ़ रहे हो और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका कि ये मेरे काम का है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी और मैं क्या कर दूंगा बाद में, सेव, सेव कर दिया तो वो वहां पर अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है ये क्या काम आता है, इसका क्या नाम था, जो एबीसी के ऊपर एक क्रॉस लाइन, इसका क्या नाम था, जो हमने वर्ड पेड के अंदर पढ़ा था, किसी को याद है, पाकिस्तान के ऊपर क्या किया था 2019 में, है सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ही थी, तो यहां पर भी स्ट्राइक है, यहां पर भी स्ट्राइक, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो। कोई भी वर्ड मानो कि मैंने गलत लिख दिया, ये वर्ड है, जैसे कि मैंने ये क्या कर दिया, गलत लिख दिया ये आगे वाला। ठीक है, इसको मैं अगर डिलीट करूं तो हमारा जो पैराग्राफ वो थोड़ा सा बिखर जा रहा है, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा उसकी जगह मैं करूंगा इसको स्ट्राइक थ्रो। जैसे मैं स्ट्राइक थ्रो पे जाता हूँ, स्ट्राइक थ्रो पे जाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई आ रही है, इसके ऊपर एक लाइन आ रही है, लाइन आ रही है। लाइन आने का कारण क्या है कि मैंने गलत लिख दिया तो उसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और जो पढ़ने वाला वो यहां से नहीं पढ़ेगा, डायरेक्ट कहां से पढ़ेगा, यहां से। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गलत जो लिख दिया उसको काटना, आप कॉपी के अंदर लिखते हो पेन से, उसके बाद गलत हो जाए तो क्या करते हो आप, कट करते हो, पहले जमाने क्या करते, पूरे 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 ऐसा करते, पूरा पेज खराब कर देते, लेकिन अब समझ गए तो क्या करते, सिर्फ एक लाइन
कर देते, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही ऑप्शन है। अब आते हैं, मानो कि मेरे पास ये जो आता है आपका चेंज कैश, अब ये जो वर्ड लिखे हुए एक बार इनको मैं कर लेता हूं पूरे सिंपल टाइप में। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया। अब मानो कि मेरे को ये देखो सब स्मॉल लिखाई दे रहे, सब क्या है स्मॉल, तो मेरे को अलग अलग टाइप में करने, तो मैं यहां पर जाऊं, इसके अंदर एक ऑप्शन, चार ऑप्शन रहेंगे जी की आपको आगे वाला बड़ा करना या पीछे वाला बड़ा करना, या बीच वाला बड़ा करना या आगे वाला बड़ा करना, तो आप वो भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस कैश, सेंटेंस कैश ये ऑप्शन रहता है, जो पैराग्राफ आपने लिखा है उसी के वापस तरीके से लिखना, यानी कि जो लिखा हुआ ऐसा का ऐसा वापस लाना। जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट ऑल, और मैं इसमें जाता हूं। ठीक है, सेंटेंस जो था वो तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं जाऊंगा लोअर केस, क्या है लोअर केस, लोअर केस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लोअर केस किया केवल एक लोअर केस हुआ, एक हुआ, बाकी क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने क्या नहीं किया सिलेक्ट। आप हमेशा ध्यान रखना सबसे ज्यादा सिलेक्ट ऑप्शन हर टॉपिक के अंदर रहता है, कोई भी आपको करना, तो जैसे कि स्ट्राइक थ्रो करना तो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपको ऑप्शन यूज करना तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट, सिलेक्ट कर दिया, और मैं जा रहा हूं चेंज कैश के अंदर, तो चेंज कैश के अंदर लोअर कैश जो भी जितने भी वर्ड है, अब यहां पर सब लोअर कैश ही है शायद, है ना, ये बड़ा है, अब ये वाला बड़ा अक्षर है, मेरे को पूरे के पूरे जितने भी बड़े बड़े हैं वो क्या चाहिए, सब स्मॉल, एक भी इसके अंदर वर्ड बड़ा नहीं चाहिए, यानी कि कैपिटल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा स्मॉल में या लोअर में करूंगा, जैसे मैं याद जाऊं लोअर केस, ठीक है, जैसे मैं जाऊं सब स्मॉल हो चुके, जितने भी आगे वाले कैपिटल होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे स्मॉल, एक भी टॉपिक इसके अंदर कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई भी टॉपिक कैपिटल नहीं मिलेगा, सब क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है, अब मानो कि मेरे को पूरा का पूरा पैराग्राफ कैपिटल में करना है, अब स्मॉल में सब है, मेरे को पूरा क्या करना है कैपिटल में, तो आपको क्या करना है इसके ऊपर जाओ वापस, यहां पर लिखा हुआ अपर केस, अपर केस, जैसे मैं अपर केस करता हूं तो जो भी वर्ड है सब क्या हो जाएंगे कैपिटल, आपको एक भी वर्ड स्मॉल नहीं मिलेगा, एक भी वर्ड इसके अंदर स्मॉल नहीं मिलेगा, तो आप इसके द्वारा कैपिटल भी कर सकते। मानो कोई आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया और आपको लगता है कि मेरे को पूरा का पूरा कैपिटल में चाहिए, तो आप वापस लिखोगे एक बार, तो जिनको पता नहीं हो तो वापस लिखेगा कैपिटल में कैप लॉक्स ऑन करके, लेकिन मेरे को तो लिखा हुआ उसी को कैपिटल करना है, तो किसका उपयोग करेंगे चेंज कैश, चेंज कैश, तो आप इसके अंदर जाओ जिस वर्ड को जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार करते जाओ। अब आता है कैपिटल इच ऑफ वर्ड, यानी कि आगे वाला वर्ड कैपिटल बाकी वाले स्मॉल, तो कैसे करेंगे, मानो कि आगे वाला मेरे को हमेशा कैपिटल चाहिए और बाकी वाले क्या चाहिए स्मॉल, अब आपको कैसे दिखाई दे रहे वर्ड सबके सब कैपिटल है, अब देखना जैसे मैं कैपिटलाइज इच वर्ड करता हूं तो आगे वाला कैपिटल बाकी वाले स्मॉल, जैसे किया अब आप देख सकते हो जो भी वर्ड लिखा हुआ उसके आगे वाला वर्ड सब के सब क्या है कैपिटल बाकी वाले स्मॉल, तो आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो, अगर आपने कोई कैपिटल स्मॉल गलत तरीके से लिख दिया तो इसके द्वारा भी आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता मानो कि मेरे को तो आगे वाले छोटे चाहिए और बाकी वाले बड़े चाहिए, आगे वाला ये जो जैसे गैलरी लिखा हुआ आ रहा है तो ये आगे वाला तो मेरे को स्मॉल चाहिए और बाकी वाले क्या चाहिए कैपिटल, तो क्या करेंगे इसके अंदर ऑप्शन आता लास्ट वाला टॉगल कैश, टॉगल कैश, जो आगे वाला वर्ड होगा वो हमेशा क्या रहेगा स्मॉल और बाकी वाले कैपिटल यानी कि बड़े। जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूं, अब देख लो जो भी आगे वर्ड होगा वो कैसे होंगे सब स्मॉल और बाकी वाले कैपिटल, कोई चेंज कोई दिक्कत, यानी कि देखो आगे वाला जिनके भी आगे वर्ड है वो सब क्या हो गए स्मॉल, टोटल के टोटल स्मॉल हो चुके हैं और बाकी वाले क्या हो गए कैपिटल यानी कि बड़े, तो आप इसके द्वारा भी आप छोटे बड़े कर सकते हैं, सरल है कोई दिक्कत, ये रहेगा आपका चेंज कैश। अब मानो कि मेरे ये पैराग्राफ पूरा का पूरा ऐसा कर दिया, अब मैंने जैसा लिखा था वापस मेरे को ऐसा चाहिए, तो कौन सा उपयोग होगा सबसे फर्स्ट वाला सेंटेंस कैश, जैसे मैं यहां पर करूं तो जैसे पहले लिखा हुआ था ऐसा का ऐसा वापस आ जाए,
तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो सभी, कोई दिक्कत? नौ, पांच ही पांच टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है और ये सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कई बार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, कैपिटल लिख देते हैं या स्मॉल लिख देते हैं, तो गलती हो जाती है, गलती तो हो जाती है क्या, कई बार क्या रहता है शिफ्ट दबा हुआ रहता है तो बड़ा आ जाता है और बाद में लास्ट में देखते तब पता चलता है कि यार ये बड़ा कैसे आ गया, तो हम कटिंग करेंगे तो समस्या रहेगी, नहीं तो आपको पता है कि ऑप्शन के द्वारा भी छोटे बड़े कर सकते, तो आप चेंज कैश के अंदर जाके भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो भी मैंने इफेक्ट लगाया, जैसे कि यहां पर फॉन्ट का भी इफेक्ट लगाया है, यहां पर स्ट्राइक भी दी है, बहुत सारे बहुत इफेक्ट लगाए, ठीक है, जैसे बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन, ये मैंने सब इफेक्ट दे दिए। अब मेरे को ये इफेक्ट नहीं चाहिए, ये इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और मैं क्या करूंगा, सबके अंदर एक एक बार जाऊंगा, सबके अंदर जाऊंगा तब हटेगा। तो मेरे को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, जितने ऑप्शन को उतनी बार क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, इतनी बार क्लिक करूंगा टाइम लगेगा मेरे को, तो मैं क्या करता हूं, एक आता क्लियर फॉर्मेट, ये आता आपका क्लियर फॉर्मेट, तो इसके द्वारा मैं डायरेक्टली पूरे के पूरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके पूरा क्लियर कर सकता है। जो फॉर्मेट आपने दिया है उस फॉर्मेट को हम क्या कर देते हैं, क्लियर। जैसे मैं क्लियर फॉर्मेट पे जाता हूं और क्लिक करता हूं, जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में वापस पेज आ जाएगा, जितने फॉर्मेट हमने दिए थे सब के सब क्या हो गए, हट गए, यानी कि आपने जो लिखा था उसका वापस रूप आ जाएगा, भले चाहे कितने भी इफेक्ट क्यों ना दिए हुए आपने, सब के सब हट जाएंगे क्लियर फॉर्मेट के द्वारा। कर दोगे ऐसा, सरल है, मस्त है, प्रमुख हजम आवे, हाँसी बता, खड़ा हो जाता, नींद आवे, हजम आया मेरे को, ये पूरे कैपिटल करने तो कैसे करूंगा, हाँ डायरेक्ट वहां जाओ, डायरेक्ट जाओ, चलो भाई डायरेक्ट गया, अब या कहा ये मैंने बोला कैपिटल करना, ये तो साइज बड़ी हो रही है, ये तो क्या हो रही है, इसकी साइज बड़ी, मेरे को तो पूरे के पूरे मोटा चाहिए, मोटा, नैन का नहीं चाहिए, नैन का नैन का बड़े चाहिए, कैपिटल अपर केस में चाहिए, बताओ नींद आ रही है, हाँ तो कैसे याद नहीं, अभी तो मैंने बताया को टाइम थोड़ी हुआ, अभी बता के अभी तक तो यहाँ क्लियर फॉर्मेट पे गया, अभी तो भूल गए हैं, किस किस को याद रहा कि मैं कर सकता हूँ, बाकी सबको याद, आपको एक को याद नहीं, कर सकते हो पक्का, आ गया टाइम का आपने पास, करके बता, सही बात है, करके बता, पता चले कि हाँ याद तो रहा इस बंदे को, थोड़ा सा आगे खींचो, क्यों है? मेरे को कैपिटल में चाहिए सब, ये तो स्मॉल में लिखे हुए, छोटे छोटे देखो ओ वी ई आर लिखा हुआ छोटा छोटा, ये मेरे को क्या चाहिए, कैपिटल बड़े अक्षरों में, बड़ी एबीसीडी, ये तो क्लियर फॉर्मेट है, हो गए, बैठ जाओ। देखो भाई ऐसे एक एक टॉपिक करते जाएंगे तो हो जाएगा, आपको क्या करना है एग्जिट उस पे जाके करना, डायरेक्ट तो मान सकते हैं कि आपको याद है, आप ऐसे करेंगे एक सले पहले सेलेक्ट ये किया इससे नहीं हुआ, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, अब हो गया तो मतलब क्या, तो वही रहा कि मैं ऐसे तो मैं चेक कर सकता हूँ, ऐसे तो देखो कोई भी टॉपिक ऐसा होता है जिसको मैं चेक करके बता देता कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन आपको पहले बता दिया कि डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ, क्या करना है डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ और क्लिक करो, नहीं ऐसे मैं करते जाऊंगा तो याद नहीं, कभी जवानी थोड़ी नींद आवे, ध्यान दे दो, नींद नहीं आवे, माइंड ओवर घूमा बने बाहर के भटका हुआ तो वही भटका हुआ तो वही, जब आपने ध्यान भटके रहो नगर ध्यान भटके नहीं, ठीक है। आइए हजार, अब जो आपने इफेक्ट दिया इसको मेरे को क्लियर करना, तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा, संधाराम जी बताइए, संधाराम शंकर, हाँ तो कौन सा ऑप्शन है बताओ, केवल उस ऑप्शन की जगह बता दो, जगह कहां पर, ये पक्का सही है क्या, इससे क्या काम करता है, ये काम क्या करता बता,
ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके अंदर ये काम क्या करता है? क्लियर करता है। किसको क्लियर करता है? पैराग्राफ को नहीं, क्लियर किसको करता है? पैराग्राफ के तो अंदर आपने लिखा है, पैराग्राफ तो लिखा है, क्लियर किसको करेगा? उसके अंदर फॉन्ट स्टाइल साइज बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रो जो भी है उसको क्या करेगा? क्लियर करेगा। यानी कि जितना भी आपने इफेक्ट दिया है उसको क्या करेगा? क्लियर कर। बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो यहां पर इफेक्ट आपने दिया है, इफेक्ट दिया, अब मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं तो किसके ऊपर जाऊंगा? ये ऑप्शन रहा आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, क्या रहेगा? क्लियर फॉर्म। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है, हमने चेंज कैस किया, चेंज कैस को इफेक्ट के अंदर नहीं आता है। पहली बार ये आता सेंटेंस कैस के अंदर। अगर मैं इसके अंदर कोई बोल्ड देता हूं, इटालिक देता हूं, अंडरलाइन देता हूं, अब आपके सामने, अब मैं जैसे क्लियर फॉर्मेट करता हूं, जैसे क्लियर फॉर्मेट करता हूं तो किसमें आ गए वापस? जिसके अंदर था उसी के अंदर आ गए। अब मानो भैया इसका सेंटेंस जो कैपिटल है, सेंटेंस कैपिटल है, इसको मेरे को स्मॉल करना है तो चेंज कैस के अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाओ, स्मॉल कर सकते हो, सरल है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं। उसके बाद आता है आपका स्ट्राइक थ्रो, हो गया एक्स टू और एक्स, इसको इसका फर्स्ट वाले का क्या नाम को बता सकता है? ऊपर आ गया है बढ़िया, तुम बता दे आज। सब स्क्रिप्ट, और दूसरे वाले का नाम सुपर स्क्रिप्ट। सबको याद है, सब स्क्रिप्ट फर्स्ट वाले को बोलेंगे और सेकंड वाले को सुपर। सुपर यानी ऊपर, सुपर हमेशा ऊपर माना जाता है, तो हमेशा देख लेना कि एक्स के जो ऊपर दो लिखा हुआ होता है वो हमेशा सुपर होता है। सुपर हीरो नाम सुना? सुपर हीरो हमेशा हीरो ही होता है, तो ये भी इसका सुपर हीरो, यानी कि क्या हुआ? तो ऊपर ही होता है, क्या हुआ? सुपर हीरो नाम सुना? सुपर हीरो फिल्म देखी? सही पकड़, ध्यान मत भटका, कंफ्यूज हो रहा। गुड़िया गुड़िया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सुपर हीरो ऊपर, तो इसका जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा क्या रहेगा? ऊपर। एक्स टू, टू नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। और ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मानो कि मेरे यहां पर एच टू ओ लिखना है, एच टू ओ, अब मैंने टू लिख दिया लेकिन टू कितना बड़ा है, मेरे को तो एच टू चाहिए, तो क्या करूंगा? यहां पर टू कैसा लिखा हुआ आ रहा है? एच के बराबर, तो मेरे को टू एच टू ओ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? टू को सिलेक्ट, अब सब स्क्रिप्ट जैसे करूंगा तो नीचे आ जाएगा। अब मेरे को टू ऊपर लेके जाना तो सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मैं सुपर स्क्रिप्ट पे करता हूं तो ऊपर चला जाएगा। जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप करते रहो, ऊपर नीचे चलता रहेगा। जो आपका सब स्क्रिप्ट है वो नीचे रहेगा ये वाला, और सुपर स्क्रिप्ट है वो आपका ऊपर रहेगा। सरल है, कोई दिक्कत? वैसे आपने वर्ड पेड के अंदर पढ़ रखा, वर्ड पेड के अंदर पढ़ रखा, वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, आए समझ में? अब आता है इफेक्ट, क्या आता है? इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसके अंदर आपको इफेक्ट कौन सा देना है? इफेक्ट यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार आप पोस्टर बनाते हो, उसके जो वर्ड लिखे उसके चारों बॉर्डर होती है, ब्लैक होती है, किसी की व्हाइट होती है, किसी की येलो होती है, रेड वगैरह जब अलग अलग कलर की होती है, होती है सभी के, तो आपको क्या कहेंगे कि जो बीच वाला वर्ड है, जो मेरे को व्हाइट व्हाइट वर्ड जो लिखा व्हाइट कलर का और चारों ओर ब्लैक बोर्ड, तो आपको लगता है कि ये चिपकाया हुआ लग रहा है, कैसा लगता है? चिपकाया हुआ। तो आप यहां से चेंज इफेक्ट के द्वारा भी इसका जो वर्ड है उसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपके सामने एक तो यहां पर भी ऑप्शन है और एक यहां पर भी ऑप्शन है, चेंज स्टाइल और ये स्टाइल, इसके अंदर से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। यहां पर नॉर्मल वर्ड दिए हुए और यहां पर अलग से दिए हुए। अब जैसे मैं जिस पे जाऊंगा, जैसे मैं जिस पे जाऊंगा वो आप देखते रहना चेंज क्या क्या होता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, अब यहां से दिखेगा आराम से,
अब ये वर्ड कह दे जिसके ऊपर मैं माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आ रहा आपका ये वाला, चेंज हो गया, यानी कि बीच में व्हाइट आ गया और चार और बॉर्डर हो गए, यानी कि इसके चेंज इफेक्ट, यानी कि इसका टेक्स्ट है जो चेंज हो गया। अब मानो कि दूसरा चाहिए, दूसरा ले लो, जिस कलर में चाहिए उस कलर में आप लेते जाओ, जिस इफेक्ट को लेना उस पे इफेक्ट को आप लेते जाओ, सब चेंज होता रहे। कर लोगे ये, मतलब जो इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट आप ले सकते हैं। ये रहेगा आपका टेक्स्ट का इफेक्ट, किसका इफेक्ट है, टेक्स्ट का, जो भी आपने लिखा उस वर्ड का इफेक्ट। अब मानो कि मेरे को दूसरा इफेक्ट चाहिए तो यहां पर जाओ वापस सेम, और यहां पर लिखा हो रहा आउटलाइन, तो आप आउटलाइन कौन से कलर की चाहिए तो आप यहां से कलर भी चूज कर सकते, कलर चूज कर सकते, जैसे कि मेरे को चाहिए रेड में चाहिए तो रेड कर लो, जिस कलर में चाहिए उस कलर, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक कर लो, और यहां पर ब्लैक बॉर्डर हो जाएगी, ब्लैक बॉर्डर हो जाएगी। जिस कलर के अंदर चाहिए वो आप कलर चेंज कर लो। उसके बाद मानो कि मेरे को इसके अंदर और भी चेंज करने, और भी चेंज करने, जैसे कि शेडो, आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जो वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं इनके चारों ओर देखो, इनकी क्या चारों ओर छाया है, अब जैसे अपन चलते छाया होती है, छाया होती है, तो क्या इनके वर्ड के चारों पास में छाया है, नहीं है, तो आपको कैसे लाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना, क्या करना है, सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद वापस यहां जाओ और शेडो, शेडो पे जाओगे तो आपको यहां पर दिख जाएगी हल्की हल्की छाया दिखेगी, आपको दिख रहा हो तो साइड में दिखाई दे रही यहां पर, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की छाया दिखेगी, आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर लें तब भी दिख जाएगी, और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा तो पीछे से आप कंप्यूटर करेंगे तब आपको दिख जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की छाया दिखाई दे रही, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसके नीचे भी है, मतलब अलग अलग, कौन सा ये छाया ज्यादा हो जाएगी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट वाली को और यहाँ पर, अब देखो जितना वर्ड लिखा हुआ इनके सबके नीचे है, नहीं दिखाई दे रहा, क्या हुआ, एक बड़ा कर लेता हूँ साइज में, अब दिखाई दे रहा, जो एन लिखा उसकी छाया इधर जा रही है, इसका सूरज इधर है, ठीक है, मतलब आपने जो भी वर्ड लिखा उसकी छाया आपको दिखेगी, तो आप ऐसे भी सिलेक्टेड कर सकते हैं, कर लोगे इतना। उसके बाद रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का अर्थ सबको पता है, आपने दसवीं तक पढ़ा होगा साइंस के अंदर, रिफ्लेक्स कैसे नहीं पढ़ा आरामी, दसवीं तक सबके साइंस होती है, अजीब आदमी है, रिफ्लेक्स नाम नहीं सुना कभी, दूरदर्शी मतलब जो कांच से आता है दर्पण के द्वारा और आपको रिफ्लेक्स दिखता है, रिफ्लेक्स यहां से आप सूर्य के प्रकाश आया कांच के ऊपर पड़ा और बाउंड्री पर जो दिखता वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स, अब क्या बोल, अपवर्तन बोले क्या, परावर्तन बोले, कुछ अपवर्तन बोलते, वो रहेगा आपका रिफ्लेक्स, आपको दिखाई दे रहा, जैसे कि आप रिफ्लेक्स पे जाओ या रिफ्लेक्शन, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा, देखो जस्ट इसका सेम का सेम, जस्ट उसका सेम, मानो कि आपने सूर्य के प्रकाश दिया और बीच में कोई सामान है, सामग्री है, उसका जो रिफ्लेक्स होगा वो बाउंड्री पे पड़ेगा, जैसी सामग्री ऐसा कैसा वापस वो दिखेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ ए दिया हुआ, तो ए का रिफ्लेक्स कैसा दिखाई दे रहा है, सेम का सेम दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर किसी के ऊपर एक पे क्लिक कर लेता रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स के अंदर जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आप देखना इसका जो रिफ्लेक्स जस्ट उल्टा है दिखाई दे रहा है, यानी कि जस्ट उल्टा इसका दिखेगा रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसका उल्टा, जो भी आपने वर्ड लिखा है उस वर्ड का जस्ट आपको रिफ्लेक्शन यहां पर दिखना, आप ऐसे भी वर्ड बना सकते हो अगर आपको बढ़िया सा पैम्पलेट बनाना है तो इसके अंदर भी बना सकते हो, ठीक है, बना दोगे ऐसा, यानी कि आपको रिफ्लेक्स लगाना, शेडो लगाना, जो भी लगाना वो आप यहां से लगा सकते हो। उसके बाद आता है ग्लो, ग्लो क्या होता है, है? ग्लो है ना, हिंदी वर्ड इतने तो मेरे को इंग्लिश आती नहीं, ग्लो यानी चमकना, पक्का इंग्लिश मेरा इतनी क्लियर नहीं है, है ना, चलो भाई, ग्लो होता है जो भी आपने वर्ड लिखा है, जो भी आपने वर्ड लिखा है उस वर्ड के चार और हल्की हल्की धुंध दिखाई देना, हल्की हल्की धुंध दिखाई, जैसे कि यहां पर जाऊं और आपको अब दिखाई दे रहा है
दिखाई दे रहा है, चारों वर्ड के चारों ओर दिखाई दे रही है। जैसे यहां पर जाएंगे इसके चारों ओर आपको एक तो बॉर्डर के टाइप, बॉर्डर होती नहीं है ध्यान रखना, ये बॉर्डर नहीं होती है। बॉर्डर वो मैंने ऊपर बता दिया आउटलाइन का, वो होता है आपका बॉर्डर। यहां पर जो ग्लो है वो दिखता है आपका हल्की हल्की छाया पूरे वर्ड के यार चारों ओर, और एक शेडो होता है वो सिर्फ एक भाग में दिखता है, रिफ्लेक्शन होता है जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। अब आ रहा है ग्लो, ग्लो यानी कि चारों ओर इसका कलर दिखना, हल्का हल्का छाया दिखनी, ठीक है। जैसे मैं यहां पर जाऊं, जो वर्ड लिखा हुआ आपने जैसे कि इसको सिलेक्ट कर दिया, अब आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर हल्की हल्की छाया दिखाई दे रही है वर्ड के चारों, यानी कि ये इफेक्टिव लगता है कि कितना शानदार। तो ऐसा भी आप वर्ड बना सकते हो, बना दोगे, सरल है। अभी तक जितने टॉपिक पढ़े सब क्लियर तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ाता जा रहा हूं बाद में कहेंगे सर समझ में तो आया नहीं, लेकिन होता जरूर, समझ में तो आया नहीं लेकिन होता जरूर है। तो आप ये मत करना, ठीक है। आप क्या करना, प्रैक्टिकल ज्यादा करना, जो भी मैंने अभी बताया वो सब के सब क्या करना है, प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद ग्लो हो गया आपके, ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट। अब ये जो आगे दिखाई दे रहे एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, आपने वर्ड पेड के अंदर पढ़ा था, किसी को याद है तो, किस किस को याद है, कोई बता सकता है कि या कि मेरे को याद है आज भी, बताओ गणपत। कलर तो दोनों कलर है, एक तो हाईलाइट कलर, जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा सेम नाम, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, कोई फर्क नहीं है ध्यान रखना। उसके बाद ये वाला है फॉन्ट कलर, पहले क्या बोला, रेड कलर, अच्छा कलर का नाम बोल दिया। ये आपका टेक्स्ट कलर है या वर्ड कलर या फॉन्ट कलर, आप ये भी बोल सकते हो, सेम है, बैठ जाओ, सेम है। जो वर्ड पेड के अंदर पढ़ा है वही कभी सेम है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। अब मेरे को बैकग्राउंड इसका चेंज करना, बैकग्राउंड जो आप हाईलाइट करते, मानो कि मैं पढ़ता जा रहा हूं और मानो कि यहां इनमें से जो ये लाइन लिखी हुई इतनी मेरे को पसंद आ गई, क्या आ गई पसंद और बढ़िया इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा या फिर अंडरलाइन करूंगा, दोनों में से एक करते हैं, लेकिन अपन अभी पढ़ रहे हैं हाईलाइट। जैसे हाईलाइट में जाएंगे तो आपको जो कलर चाहिए बैकग्राउंड का वो आप कलर चूज कर सकते हो, जैसे कि मेरे को यहां पर चाहिए येलो तो येलो कर दो, ग्रीन, ब्लू, जो कलर चाहिए वो आप यहां से चूज कर सकते हो, जिस कलर के अंदर आपको रखना है, समझ गए। जो आपने वर्ड पेड के अंदर पढ़ा वो का सेम है, ठीक है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ये अब क्या हो गया, टेक्स्ट का हाईलाइट कलर, टेक्स्ट का हाईलाइट कलर। अब मानो कि मेरे को टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना, अभी जो व्हाइट ब्लैक कलर आ रहा है इसका मेरे को कलर ही चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, है फॉन्ट कलर, यारा ऑप्शन, इसके अंदर जो आपको कलर चाहिए वो कलर यहां से ले लो, जैसे कि मैं यहां से ले लेता हूं, कौन सा ले, ये वाला, ये ले लिया, कलर चेंज हो गया, सरल है। कोई आज टॉपिक नहीं, जो हमने वर्ड पेड के अंदर पढ़ा वो ही कवर पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ इसके अंदर एक ये चेंज है और एक ये चेंज, बाकी का तो सेम, और ये इफेक्ट, ये तीनों टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी क्या है सेम, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये हो गया आपका फॉन्ट कलर। अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोने के अंदर तीर का, दिखाई दे रहा किसी को, आंखें हो तो देखो ध्यान से, है दिखाई दे रहा है, पक्का नहीं दिखाई दे रहा, बुद्धाराम को भी दिखेगा नहीं पहली बात तो, क्योंकि हमने दो बार पढ़ लिया है ना, इसलिए हमको दिखेगा नहीं, डूबेंगे तो डूबेंगे सनम तेरे को लेकर डूबेंगे, है ना, ये वाली बात है ना। चलो भाई, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये फॉन्ट क्लियर होने के बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है, हाँ तो बता दे इसके अंदर क्या होता था, आपको पढ़ा हुआ आपने, जो भी आपने काम किया है उसका एक साथ काम करना, व्यू नहीं करना घंटा, इसका पूरा का पूरा क्या करना है, एक साथ काम। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो इसके अंदर देखो क्लियर फॉर्मेट नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर फॉर्मेट एक अपना अलग ही रूप है, एक अपना अलग ही रूप है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर सबके सब वापस ऑप्शन आ रहे हैं, वहां पर फोटो के साथ है और यहाँ पर नाम के साथ है। जो आपको लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज चेंज कर लो और स्टाइल चेंज कर लो और साइज चेंज कर लो। अब मानो कि मेरे को यहाँ पर ये चाहिए, इसमें बोल्ड इटैलिक कर लेता हूँ, इसमें 14 कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया।
अब मेरे को फॉन्ट का कलर कौन सा चाहिए, मानो कि मेरे को चाहिए रेड, उसके बाद अंडरलाइन करना हो तो कर लो, जो अंडरलाइन चाहिए वो यहां से सिलेक्टेड कर लो, जैसे कि मेरे को ये चाहिए, और अंडरलाइन कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर दो, जो कलर चाहिए वो आप यहां से सिलेक्ट कर लो, यानी कि पूरा जो पड़ा वो आपका एक ही ऑप्शन के अंदर काम कर रहे। उसके बाद इफेक्ट कौन सा डालना है, स्ट्राइक थ्रो करना है, डबल स्ट्राइक थ्रो करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना, सब स्क्रिप्ट करना, स्मॉल कैप्स करना, ऑल कैप्स करना या हिडन करना। हिडन का अर्थ हम पढ़ेंगे आगे की, हाइड किसको करना, ठीक है, वो हाइड किसको करना। अब मानो कि मेरे को इसके ऊपर सुपर सॉरी इसको कर लेते स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो, जैसे मैं स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करता हूं, अब क्या करूंगा, देखो यहां पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू दिखाई दे रहा, जो आपने किया वो यहां से भी कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट एक्स्ट्रा यहां से भी कर सकते हो, जो आपको इफेक्ट चाहिए कलर वगैरह करना तो कर सकते हो, नहीं करना तो आप यहां से क्लोज कर दो, ठीक है। इतना कर दिया, करने के बाद आपको क्या करना है, ओके चेंज, चेंज हो गया पूरा पूरा, इतना ही किया तो इतना ही चेंज हो, जहां पर कर्सर था वहां पर चेंज हो जाएगा, इतना ही किया पता है, जहां हमारा कर्सर था वो उस कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आप इस एक ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो, बाकी एक एक करके इस्तेमाल भी कर सकते, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा का पूरा एक एक इस्तेमाल करना है, एक एक इस्तेमाल करना, ये पूरा साथ में है वो तो आपको खुद को ही करना, देख देख के वो आपको खुद को देख देख के करना, बाकी जो मैंने अभी बताया वो आपको एक एक टॉपिक क्लियर करना, उसके बाद आप इसके अंदर जाना। हाँ जी बजा मत रहे, सीधे बैठ जा, क्या हुआ समझ में नहीं आता तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं पूछू नहीं, हरम आवेगा, हरम करने नहीं रखना, हरम रागी तो याद नहीं रहेगा, पहली बार जो बोल नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को बोल दे, लेकिन आप क्यों नहीं बोल सकते पहली बार। देखो मैं एक बात बताऊं आपको है ना, कल से मैं एक एक खड़ा करके यहाँ बुलाऊंगा आगे, सही है ना, आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, आप किसी के भी सामने आप अपना स्पीच दे सकेंगे। शनिवार को रखते हैं, हाँ ये बात सही यार, शनिवार हर शनिवार को प्रोग्राम रखना चाहिए छोटा छोटा। आप आज देखो उसमें क्या रहेगा, आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप है ना कभी भी किसी के भी सामने आप आराम से बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, नहीं तो आपको कहीं बोल दिया कि आवाज नहीं रहेगी, आपको बोल दिया कि 10 लोगों को थोड़ा सा जानकारी दो आपके बारे में, या फिर आप थोड़ा सा जितना भी पढ़ा उनमें से कोई भी एक छोटी सी लाइन पढ़ा दो, तो आप कहेंगे डर लगे सर मोनी मोनी आज यूं करी, करते कि नहीं करते, सब करते हैं, कोई बाकी नहीं, ऐसा मैं खुद भी करता था, लेकिन धीरे धीरे आगे आया तो क्या हो गया, डर खत्म, ठीक है, साथी खरी साथी खरी। लेकिन एक को हर शनिवार को आपको बुलाया जाएगा, हर शनिवार को आपका ये रहेगा ठीक रहेगा, क्योंकि आपको बोलने का थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा, तो फायदा आपको, नुकसान नहीं, फायदा बोल नहीं सकते, याद सब होता है, सब कुछ याद रहता अपन को, अपन को सब कुछ आता है, लेकिन अपन बोल नहीं सकते, अपन उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिज्ञासा तो है लेकिन डर लगता है, जिज्ञासा तो है लेकिन अपन को डर लगता है कि मैं किस प्रकार करूं, कि यार बोलूंगा तो मैं क्या कहीं गलत तो नहीं बोल दूं, गलती से गलत बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैं कुछ ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, तो डर लगता है। लेकिन डर को खत्म करने के लिए आपको हर शनिवार का आपका एक प्रोग्राम रखा जाएगा, और उसमें आपको क्या रहेगा, 5-5 मिनट का प्रोग्राम रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा बैठ जाए इधर, आपको क्या करना है, 2 मिनट आगे आना है, जो आपको एक लाइन या 2 लाइनें बोल सको इतना ही बोलना, जरूरी नहीं आपको सब कुछ बोलना, शुरुआत में हमेशा या तो आपका नाम बता दो, आपका नाम वहां से शुरू, सही आंसर वन, वहां पर बोलते थे याद है, कभी बोला था नहीं, बोलियो मैं लार देगी बुद्धत हूँ बोलता, फिर कौन है तो हाँ ये गुड़िया थी, सबको बुलाया, कोई बाकी नहीं रहा, क्लास में कितने 60 स्टूडेंट थे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको मैंने आगे लेके नहीं गया, लेकिन डेली आना रेगुलर आना तो ही करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं।